वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी सुबह हो गई है और मॉर्निंग है, एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैं सो के उठ गई हूँ और मैंने सबसे पहले आज मोबाइल को हाथ पे लिया। मैंने सोचा ही रखा था कि एकदम मॉर्निंग से आज का ब्लॉग शुरू करूँगी, तो मैंने एकदम मॉर्निंग से ही आज का ब्लॉग शुरू कर दिया। थोड़ा सा तबीयत आज ठीक नहीं है और बहुत सारा काम है, तो सोचा सुबह से ही ब्लॉग पकड़ लेती हूँ। और देखो मेरे बच्चे अभी तक उठे नहीं, ये देखो रेनू सोई हुई है और वो देखो मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और सब अभी हम लोग बैठे हैं, चाय का इंतज़ार हो रहा है कब चाय बने और कब थोड़ा सा खा ले। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और चलिए जाके सुबह का काम शुरू करते हैं। मैंने ब्रश करना शुरू कर दिया है, ब्रश करने के बाद बाकी क्या क्या काम है वो देखूंगी। देखो काम तो ज़िंदगी भर रहेगा, आप दिल्ली रहो चाहे बॉम्बे रहो चाहे अपने घर में रहो, आपका जो डेली रूटीन है वो हर जगह पे ही रहता है। आपको सुबह उठना, ब्रश करना, चाय पीना, नाश्ता बनाना और खाना बनाना, ये डेली का काम है। और आज मैं एक अच्छा सा काम लेके बैठी हूँ। नीचे जो भैया है इस फ्लैट के नीचे, जो सुपरवाइज़र भैया है, उन्होंने काफ़ी सारे एलोवेरा जो है वो उठा के फेंक दिया था। तो मैं सुबह थोड़ा सा टहलने के लिए नीचे गई थी, तो मैं ये एलोवेरा उठा के लेके आ गई हूँ। एलोवेरा जो है स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन एलोवेरा का जो पल्प है उनको निकाल लेते हैं, निकाल के फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, बच्चे यूज़ करते रहेंगे। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मेरे सिर में बहुत सारा रूसी हुआ है और डेंड्रफ हुआ है, तो क्या करे। तो मैंने उसको बताया कि एलोवेरा के साथ विटामिन ई कैप्सूल और नारियल का तेल मिला के लगाने से सिर के जो रूसी है वो ख़त्म हो जाते हैं, ग्लेज भी आता है बहुत सारा। तो बोली मम्मी मुझे तो घी ना आएगी इसको पकड़ने में, आप एक काम कीजिए आप बैठ बैठ के इसको निकाल दीजिए। तो मैं यही बैठ के निकालने लगी थी और आप लोगों को दिखा रही थी, काफ़ी सारे सामान थे तो काफ़ी मुझे टाइम लग गया निकालने में। और अब मैं सोची वो काम करने के बाद थोड़ा बाकी काम कर देती हूँ। और इसको मैंने उठाया कि थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, और बोल रही थी कि मम्मी तुम कहीं भी जाते हो तुम पीछे पड़ ही जाते हो घर साफ़ करने के लिए, यहाँ पर इतना क्या घर साफ़ करने का वो है। और बड़ी बेटी को बोला कि तुम खाना बना लो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे बच्चे बहुत मुझे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही काम करती हूँ। अगर मेरे बच्चे रहते हैं और मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो लोग मुझे काम करने नहीं देते। और मैं थोड़ा सा ये मोबाइल ले लेके और सबको दिखा रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। और ये रही अमृता, और वो कुछ कर रही थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा कैमरा में ले लिया। और यहाँ पर बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देते हैं, बाहर का मौसम कैसा चल रहा है। मेरी ना दिल्ली में आने के बाद से तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, दो दिन बाद बाद मैं बीमार पड़ रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हुआ। हम लोग वैष्णो माता घूम के आए थे ना, उसके बाद से मुझे सर्दी जुकाम लग गई है और बार बार मैं दो दिन तीन दिन बाद बाद मैं बार बार बीमार होते जा रही हूँ। तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं दिल्ली घूमने आई हूँ, अगर मैं बार बार बीमार पड़ूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप लोगों को पता है मुझे डायबिटीज़ है, डायबिटिक हूँ, तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ये सब चीज़ है। तो मैं थोड़ी सी बीमार होती हूँ ना मुझे बहुत तकलीफ़ होने लग जाती है। तो अमृता मुझे पूछ रही थी कि आंटी आज सुबह सुबह आप कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग शुरू कर दी, तो मैंने बोला हाँ मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। और इधर तन्नू भी बोल रही थी कि मम्मी को तो मज़े हैं, सब कोई काम कर रहा है और मम्मी घूम घूम के ब्लॉगिंग कर रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बना लो, नेक्स्ट जिस दिन मेरी तबीयत ठीक रहेगी मैं बना लिया करूँगी। जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैंने खाना बहुत कम बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मेरी बेटी है और जो अमृता है वो भी उसकी फ्रेंड्स की बहन है, वो है एक उसकी फ्रेंड्स और है, मेरी छोटी बेटी है, चार पाँच तो यहाँ पर लोग हैं। फिर मुझे कब जब अच्छा नहीं लगता है तब मैं मम्मी के घर में भी चली जाती हूँ। और ये हस्बैंड जी बैठे बैठे मोबाइल में कुछ कुछ देख रहे थे,
और मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें तो मज़े हैं दिल्ली आने के बाद, तुम बहुत अच्छा सा घूम घूम के अपना वो करते जा रहे हो। और तब तक जो है कुछ सामान इन लोगों ने मंगवाया था तो वो सामान आ गया। वहाँ पर क्या होता है, इवेंटो वगैरह है तो घर में सामान दे के जाते हैं, जैसे जोमाटो होता है ना वैसे वहाँ पर ग्रॉसरीज भी घर में दे के जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी ग्रॉसरीज मंगाया था, मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें ज़रूरत है मंगा लो, तो मेरी बेटी ने सारा ये एक एक करके ऑर्डर कर दिया कि मम्मी ठीक है आपको क्या क्या ज़रूरत है बताओ मैं मंगा देता हूँ। एक हॉलीडे मूड में हम लोगों में है और जो मर्जी यहाँ पर कर रहे हैं। और इसने तो इसको तो चिप्स चाहिए, काफ़ी सारे इसने चिप्स मंगा लिया, पता नहीं जैसे दुकान देगी दुनिया भर का, बोल रही मम्मी ये गोरमेट जो चीज़ है ये हर जगह नहीं मिलता, तो मैंने काफ़ी सारा मंगा लिया। तो मैंने इसको बोला कि भाई गोरमेट नहीं मिलता है तो क्या है, ज़रूरी है बहुत सारा खाना, चिप्स खाना अच्छी बात नहीं होते, तो मजाक उड़ाते हैं। अभी बच्चे बड़े हो गए ये लोग कहाँ सुनते हैं। और मेरी जो छोटी बेटी है वो बचपन से ही ऐसी है, इसको जो चीज़ चाहिए होगा वो जहाँ भी रहेगी उसको वो चीज़ लेना ही होता है। तो आप लोगों से बात करते करते मैं आ गई हूँ, कपड़े धोने के लिए थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे और मैंने बोला ठीक है भिगो दो मैं धो देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी भी हाथ से कपड़े नहीं धोए। तो यहाँ आने के बाद जब मैं तन्नू को देखती हूँ, मेरी बड़ी बेटी का नाम तन्नू है, जब देखती हूँ वो कपड़े धोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब से मेरे बच्चे मतलब पैदा हुए थे, थोड़े बड़े हुए थे, उसके बाद से मेरे घर में वॉशिंग मशीन था तो इन लोगों ने कभी भी हाथ से कपड़े नहीं धोया, मैंने कभी भी इनको धोने नहीं दिया। तो बोल रही थी कि मम्मी आप छोड़ दो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं हो सकता है ना कि माँ बैठी रहे और बच्चे कपड़े दे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं तुमको धोने की ज़रूरत नहीं, मैं धो दूँगी। और मैंने कपड़े धो लिए और कपड़े धोने के बाद मैं बाहर आ गई टांगने के लिए, बाहर धूप अच्छा था। और तन्नू को बोला तुम थोड़ा सा मोबाइल पकड़ो मैं कपड़ों को टांग देती हूँ। कपड़े टांग के मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अब हम लोग खाना खाने बैठेंगे, खाना पूरा बन गया। और मेरे स्किन में ना थोड़ी सी कोई सी एलर्जी सी हुई है वो मैं दिखा रही थी। और ये देखिए दाल, ये फूलगोभी आलू की सब्जी और ये है चावल, और हम लोग सारे मिलके नीचे बैठ गए खाना खाने के लिए। किराए का फ्लैट है तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर हम लोग किराए पे रह रहे हैं तो डाइनिंग टेबल नहीं है, तो नीचे बैठ के खाने में थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है, बट अच्छा भी लग रहा है सब मिलके नीचे बैठ के खा रहे हैं। और तबीयत ठीक नहीं होने के वजह से मुझे अजीब सी लग रही है। और खाना हम लोगों ने खा लिया और मैं थोड़ा सा कंघी करने बैठी हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता बातचीत करने का, तो अगर मैं एक महीना रहूँगी तो मैं ब्लॉगिंग कैसे दूँगी, सोच के मैंने बोला चलो कैमरा ऑन करो और थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के साथ बात करती हूँ। तो फिर मैंने कंघी करते करते आप लोगों के साथ बात करना शुरू किया। अभी थोड़ा सा हमें दिल्ली घूमना है, बहुत सारे जगह घूमना है और मैं एक महीना यहाँ पर रहूँगी, तो आप लोगों को घूमने का भी ब्लॉग सारा दिखाऊंगी जो मैं करूंगी। देखो मैं जब जहाँ रहूँगी जैसे रहूँगी वही की ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना, और जैसे मेरे घर में मुझे ब्लॉग देखते हैं तो दिल्ली का जो ब्लॉग है वो भी देखते रहना, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे सारे दोस्त मुझे इतने सपोर्ट करते हैं। तो
आज मैं बोल रही थी आप लोगों को मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये वो पीछे से ये लोग बोल रहे हैं कि मम्मी ऐसे शकल बना बना के बोल रही कि सबको ये यकीन हो जाए कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये लोग मानते नहीं हैं और मजाक उड़ाते रहते हैं, मेरे को देख के पता नहीं चलता मैं बीमार होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ तब भी पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरी शरीर ऐसा है कि अगर मैं 10 दिन भी बीमार रहूँ तो मैं कमज़ोर नहीं होती हूँ। तो ये सब ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई है और जब भी कहीं बैठती है और कैमरा पकड़ के बैठ जाती है, तो क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ है। और मैं अभी ब्लॉगर बनने के लिए मतलब कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे तो देखो जब भी मैं जहाँ बैठूँ तो मुझे तो कैमरा पकड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने बालों को कंघी कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद का क्या होता है आप लोगों को आगे दिखाऊँगी।